भारत में 5G सर्विस की कीमत सबसे कम होने वाली है, यह बात किसी और ने नहीं बल्कि टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है। माना जा रहा है कि देश में 5G सर्विस की शुरुआत 15 अगस्त से हो जाएगी। ऐसे में इस नए नेटवर्क तकनीक को लेकर काफी हलचल है और इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि भारत में 5G सर्विस काफी महंगी होने वाली है, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि यह सर्विस वैश्विक सेवाओं की तुलना में इंडिया में बेहद कम होने वाली है। अगले महीने जुलाई में ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है और इसके तुरंत बाद 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया जाएगा। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही इसकी तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे में अब इसके शुल्क और स्पीड को लेकर काफी बातें हो रही है। इसी बीच टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर द्वारा दिए गए इस बयान के बाद लोगों को काफी राहत जरूर होगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में आने वाली 5G सर्विस को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब से होगी, इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा किया गया है। भारत में 5G सेवाएं अगस्त सितंबर में शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि सरकार का टारगेट 15 अगस्त के दिन ही 5G सेवाओं को रोल आउट करने का था। अब अश्विनी वैष्णव के इस बयान के बाद उम्मीदें और भी प्रबल हो गई है। शायद इस स्वतंत्रता दिवस पर ही देश में 5G सेवाएं चालू कर दी जाएं। इंडिया में 5G अपने शुरुआती दौर में कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध कराया जाएगा, जो बाद में विस्तार होगा। अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2022 के अंत तक भारत के तकरीबन 25 शहरों एवं कस्बों में 5G नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क के नाम पर अधिक दाम वसूलेगी और 5G इंटरनेट स्पीड 4G के बराबर ही मिलेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इंडिया में 5G इंटरनेट यूज करने पर कितना पैसा चुकाना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G डेटा प्राइस पर बात करते हुए कहा है कि इंडिया में 5G की दरें ग्लोबल मार्केट की तुलना में काफी कम रहने वाली है। बाहरी देशों की तुलना में भारत में 5G डेटा प्राइस 10 गुना अधिक सस्ता मिलेगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।